जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने अपने चैप्टर को रीड किया था यानी पठन किया था, फिर एक्सप्लेनेशन समझा था यानी आप पाठ के विषय में, और अब हम क्या करेंगे, अपना अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे नए शब्द हैं दुहाई। दुहाई का अर्थ होता है प्रार्थना। नौबत स्थिति या बारी। तंग परेशान। रुआ से रोने जैसा। सदा हमेशा। गमगीन उदासी। इंद्रधनुषी इंद्रधनुष के समान सात रंगों वाला। सुरीले मीठे स्वर वाले। यह आपके श्रुतलेख। रंगीली मजेदार। मंत्र गुस्सा छड़ी दुहाई। नौबत दोस्ती मस्ती। गमगीन सुरीले इंद्रधनुषी। अब देखिए नीचे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है आपके मौखिक। क सब रंग कहाँ बंद हो गए थे। कहाँ बंद हो गए थे, जैसा कि आपने अभी अपना चैप्टर रीड किया था गुफा में। ख सेकंड वाला, रंगों को किसने बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था रंगों को, जादूगरनी ने। ग वाला, जादूगरनी का क्या नाम था। क्या नाम था, चप्पन चू चू। घ वाला, गुफा का दरवाजा किसने खोला। किसने खोला था तो उसका गुफा का दरवाजा, जादूगर ने। किसने, जादूगर ने। लिखित प्रश्न। क वाला, जादूगरनी क्यों दुखी थी। रंगों की आपसी लड़ाई के कारण जादूगरनी दुखी थी। नेक्स्ट देखेंगे। खवाला, जादूगरनी को गुस्सा क्यों आया था जादूगरनी गुस्सा। जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी उसके साथ नहीं खेले, इसलिए जादूगरनी को गुस्सा आ गया। ओके नेक्स्ट पेज। गवाला, सब रंगों ने क्या वादा किया। क्या वादा किया था, हम आपस में सदा मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस यानी रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट वाला है क, सब रंग आपस में प्यार से बैठे थे। नहीं बैठे थे ना, क्योंकि वो झगड़ा कर रहे थे तो रॉन्ग। खवाला, जादूगर ने रंगों को गुफा में बंद कर दिया था। नहीं, किसने बंद किया था, जादूगरनी, इसलिए ये भी रॉन्ग। गवाला, रंग गुफा में से बाहर नहीं निकल पाए। गलत, क्योंकि जादूगर ने तो निकाल दिया था ना। गलत, नहीं निकल पाए। ओके घवाला, जादूगर रंगों को हंसता खेलता देखकर बहुत खुश हुआ। राइट। अब नीचे देखेंगे। नंबर वन, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तंग का परेशान, सदा का हमेशा, गुस्सा क्रोध, दुनिया संसार। दोस्ती मित्रता, नौबत बारी, आजाद स्वतंत्र, गमगीन उदासी। नंबर टू,
शब्दों को पढ़िए और लिखिए, जैसे आ प स क्या बन गया आपस, आ व ज क्या बन गया आवाज, ल ड त लड़ता, जादूगर जादूगर। इस तरीके से आपको पढ़ना है। नंबर 3, देखिए पढ़िए और लिखिए। देखिए ड से बनने वाले शब्द ये लिखे हुए हैं, ये आपको देखने हैं पढ़ने हैं, और ड से ही हमको और शब्द लिखने हैं। जैसे ड से डलिया, ड से डगर, ड से डाली, ऐसे ही ढ से देखेंगे, ढ से ढाल, ढ से ढलान और ढ से ढोल। राइट, नेक्स्ट पेज ओपन। अब है आपका अणे, अणे से लकड़ी, मकड़ी, सड़क। और ये अढ़ है बूढ़ा, जैसे कि चढ़ना, कढ़ाई, सीढ़ी। अब इसमें है नंबर 4, शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए बच्चों, ये पिक्चर आपको ध्यान से देखनी है और इस पिक्चर की हम एक्टिविटी भी करेंगे। आप सभी को मेरे साथ एक्टिविटी करनी है और आपको ग्रीन चार्ट पेपर रेडी रखना है, ग्रीन चार्ट पेपर। ओके, ग्रीन चार्ट मंगा लेना, उसमें हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है शोर, तो र आ रहा पीछे, र से क्या बनेगा रस्सी, सी आ रहा है पीछे सीमा, मारा पीछे मान, न आ रहा है पीछे नदी, दी आ रहा है पीछे दीपक, क आ रहा है पीछे कमर, और रे आ रहा है पीछे तो रथ। इस तरीके से हमको ये शब्द सीढ़ी बनानी है। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, ये है आपका नंबर 5, नए शब्द बनाइए। जैसे दुख लिखा हुआ है, जब दुख के पीछे बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, दुखी। खुश के पीछे ई की मात्रा लगेगी तो खुशी। यह एक, और एक के पीछे हम ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एकता। प्रसन्नता, राइट। नंबर 6, जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर गोला बनाइए यानी लगाइए। जो समान तुक वाले नहीं है, जैसे कि ध्यान से समझना है, क रेल, मेल दोनों समान वाले हैं, हम और ये क्या है खेल, ये एक ही मात्रा वाले, ये भी एक ही मात्रा वाले और ये भी एक ही मात्रा वाले, इसमें ये कोई मात्रा वाला नहीं है तो इसलिए ये समान तुक वाला शब्द नहीं है, इसलिए हमको सर्कल करना है। ऑलरेडी डन। ख रंग, दंग, भंग, इसमें तीनों के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है, अंक की बिंदी लगी हुई है, इसके ऊपर अंक की बिंदी नहीं, इसलिए ये समान तुक वाला शब्द नहीं है। ओके, घ वाला है बंद, मंद, कंद, इसमें भी कौन सा शब्द नहीं है जिस पर अंक की बिंदी नहीं है, तो ये वाला है खुश, इसको बस सर्कल करेंगे। फिर घ, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे, इन तीनों पर एक ही मात्रा लगी हुई है, अंक की बिंदी भी लगी हुई है और इस पर चंद्र बिंदु है, इसलिए ये हमारा अलग है, तो इसको सर्कल करेंगे। फिर है ड़े, शोर, गीत, मोर, भोर, इस पर और इस पर ओ की मात्रा है, इस पर ई की मात्रा है, बड़ी ई की, तो इसलिए ये समान तुक वाला नहीं है, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे। अब नीचे देखेंगे, देखिए नंबर 2 देखेंगे, ये मैं आपको जब क्लास होगी तब मैं इसे समझाऊंगी, पहले समझ लीजिए। नंबर 2, मिलजुल कर रहना क्यों अच्छा लगता है, सही वाक्य पर राइट लगाइए। सुख शांति मिलती है, कठिन काम भी सरल हो जाते हैं, खूब शोर मचा सकते हैं, सभी लोगों के प्रिय बन सकते हैं, बन जाते हैं, तो राइट आंसर हमारा कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। देखिए अभी आपका लास्ट पेज नंबर 1, निर्देश के अनुसार दी गई संख्याओं में रंग भरिए। देखिए ये नंबर्स पड़े हुए हैं कितने, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है, मैंगो, देखिए मैंगो दिखाई दे रहा है, पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैंगो, ये आप ये इसकी लीफ है और ये मैंगो है। देखिए इसमें क्या है, नंबर 1, नंबर 1 में आपको कौन सा कलर करना है, येलो, तो ये सारे येलो। नंबर 2 में कौन सा करना है, भूरा यानी
ब्राउन। नंबर टू कहाँ है? ये रहा। नंबर थ्री में कौन सा करना है? ग्रीन, हरा। थ्री में ये रहा, यानी इसकी लीफ बनी हुई है। नंबर फोर में कौन सा करना है? गुलाबी, यानी पिंक। जहां जहां फोर लिखा हुआ है सब में आपको पिंक कलर करना है। नंबर फाइव नीला, यानी ब्लू। नंबर फाइव जहां पर लिखा हुआ है उसमें आपको ब्लू कलर करना है। ओके, डन। नंबर टू, इन रंगों को मिलाने से कौन सा नया रंग बनेगा बताइए। लाल प्लस नीला, दोनों रंगों को अगर हम मिला सकते हैं तो कौन सा रंग रेडी हो जाएगा हमारा? जामुनी, यानी वॉलेट कलर। फिर है सफेद प्लस लाल, सफेद और लाल मिलाने से कौन सा बनेगा? गुलाबी, यानी पिंक। ओके, इस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।